वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा मंगलवार को पुलिस लाइन परिसर में यूपी पुलिस जाल 112 के प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षुओं को ब्रीफिंग किया गया। इस दौरान एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता द्वारा प्रशिक्षुओं को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस संबंध में एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने बताया कि डायल 112 में चलने वाले 400 के आसपास जवान हमेशा तैनात रहते हैं, जिनकी एक रूटीन ट्रेनिंग की शुरुआत की गई है जो करीब एक वर्ष तक चलेगी, जिसमें 30 से 40 लोग 20 दिन की ट्रेनिंग लेते रहेंगे। आज ट्रेनिंग का दूसरा बैच ट्रेनिंग ले रहा है। यह लोग पहले से ही ट्रेन है, लेकिन इनको डायल 112 के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग के बाद हमारे डायल 112 के जवान और बेहतर रिस्पांस मिलेगा। यह एक प्रयास गोरखपुर पुलिस की तरफ से है। इस अवसर पर एसपीसीटी डॉक्टर कौस्तु, पुलिस अधीक्षक अपराध अशोक कुमार वर्मा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने कहा, कितने लोग आए हैं? 35 भूकंप रोधी क्षेत्र माना गया है। मंगलौर एरिया जो है क्या है? भूकंप रोधी। जो आपदाएं आती हैं, भूकंप आते हैं, कुछ ऐसी चीजें, तो ऐसा माना गया है कि वो क्षेत्र जो काम करेगा, ठीक है। इसीलिए ये चीजें वहां पर लेके देने से, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नहीं ये बेस बन सकता, यहाँ ही बन सकता था। जब कंट्रोल रूम है आपका आगरा इलाहाबाद में, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कैड है, बिजनेस इंटेलिजेंस है, बीआई जिसको बोलते हैं, माने ये सभी चीजें आपका इसमें संचालित किया जाता है। को आप देवदूत होने जा रहे हैं क्या? आप 18 दिन के अंदर आप कायांतरित रूपांतरण होकर के एसपी साहब जो है आपके, आपको क्या बनाने जा रहे हैं? 18 दिन की छोटी सी ट्रेनिंग है, आप सबने बड़े ही इसको ध्यान से लेना है। और सरकार के पास प्रपोजल यहाँ तक के गया है कि जो डायल 112 में है उनको एडिशनल कुछ पैसे दिए गए। आप निश्चिंत रहे, जहाँ आपकी डेरा आपने बना लिया है, वैली पार बना लिया है, उलरिया बना लिया है, तो उसी एरिया की पीआरडी में आपकी ड्यूटी ली जाए। और दूसरी चीज, आपके लिए हम 8-8 घंटे की शिफ्ट जो है, क्योंकि आपकी नौकरी हमारे पास ठीक आ गई है, तो हमने आपके प्रभारी से नहीं, आप जनता की निगाह में खड़े हैं, जनता के लिए आप, अगर आप ध्यान करें, आप में से कितने लोग यूपी के बाहर गए? आप खड़ा करें, यूपी के बाहर कोई गया? अपने शहर के बाहर गए, कहीं घूमने घामने गए कहीं? और भी 12-12 घंटे आपको इसलिए बता रहा हूँ, लंबी छुट्टी आप जा सकते हैं, 5 दिन 10 दिन मांग करके महीने में आप जा सकते हैं। और उसके लिए आपकी व्यवस्था की गई कि अगर 400 लोगों का डिपार्टमेंट है डायल 112, तो वहाँ 450 लोग अवतरित होंगे, प्रकट होंगे। आप डायल 100 और डायल 112 इसीलिए बनाई गई, प्रकट होंगे। और ये सारा जो सिस्टम आपको पढ़ाया जा रहा है, ये आपके लिए ऐरावत है। आप क्या है, आप बताइए, कौन चाहता है पुलिस वाले से सामना? कोई चाहता है? कोई थाने जाना चाहता है? बताइए। हम भी नहीं चाहते हैं कि लोकल पुलिस थाना हमको बुलाए कि जनाब सर आइए इधर, आपका एक मसला है, तो सर ही बोलेगा बुलाएगा भी, लेकिन जी, एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस है, और जिसमें डायल 112 में लगभग 400 के आसपास जवान हमेशा गोरखपुर में तैनात रहते हैं। आपको पता ही है 46 व्हीकल हमारी राउंड द क्लॉक चलती हैं, जिसमें लगभग 400 के आसपास जवान हमारे तैयार रहते हैं। तो उनकी एक रोटेशनल ट्रेनिंग लॉन्च की गई है जो साल भर चलेगी, और उसमें 30 से 40 लोग 20-20 दिन की ट्रेनिंग लगातार लेते रहेंगे, एक एक बैच। तो आज ये दूसरा बैच हमने ट्रेनिंग का लॉन्च किया है, ये लोग पहले से ही ट्रेंड है, लेकिन 112 के लिए स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग एक डिज़ाइन की गई, जिसमें लोगों से बातचीत करना, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन करना, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, लैंग्वेज प्रॉब्लम जो इनका कम्युनिकेशन स्किल्स है उनको डेवलप करना, और क्या टेक्नोलॉजी है, क्या रिस्पांस टाइम कैसे अच्छा करना है, किस तरह से कॉल सेंटर्स काम करते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग है जो 15 से 18 दिन की ये ट्रेनिंग है। और इस ट्रेनिंग के बाद वो कांस्टेबल में एक अच्छा सा चेंज आता है, और जो पहले से भी ट्रेंड हैं लोग उनको भी रिफ्रेशर हम कराते हैं, जिससे हमारी डायल 112 का रिस्पांस बढ़े। आज की डेट में जो पुलिस है उसका मेन चेहरा जो हम देखते हैं वो सड़क पर खड़ा होने वाला सिपाही है, और उसमें डायल 112 एक बहुत बड़ी फोर्स के सामने के रूप में सामने आ रहा है, जो जनता से लगातार 1-to-1 इंटरेक्ट करती है। और उनका संवेदनशील होना, उनका रिस्पॉन्सिव होना, क्विक होना, उनका स्मार्ट होना,
और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि डिस्प्यूट्स वहीं पे ही हल हो, पुलिस का समय बचे, लोगों को राहत मिले, लोगों को वहीं पे ही उनके डोर स्टेप पर जस्टिस मिले। यही एक प्रयास गोरखपुर पुलिस की तरफ से। डायल 100 और 112 में कोई फ़र्क नहीं है, केवल डिजिट्स का ही फ़र्क है। चाहे आप 1100 लगाएं, चाहे 112 लगाएं, वो एक ही जगह लैंड करेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डायल 100 को 112 में क्यों कन्वर्ट किया गया है। डायल 100 जिस सिस्टम पर काम कर रहा था वो एक सॉफ्टवेयर टाइप का सिस्टम था, और अब ये जो सिस्टम नया आया है इसमें बहुत सारे नए फीचर हैं। डायल 100 के तो वो फीचर है ही हैं, साथ ही साथ इसमें सवेरा स्कीम लगी है, जिसमें जो हमारे एल्डरली पीपल हैं वो उसमें अपना लिखा सकते हैं। इसी में वेमेन सिक्योरिटी फीचर्स भी जोड़े गए हैं, इसमें GPS आधारित सिस्टम भी जोड़े गए हैं, इसमें रिस्पांस टाइम की मॉनिटरिंग, इसमें उसका जो फीडबैक है वो सिस्टम जोड़ा गया है। तो डायल 100 जो भी था वो 112 में डायल 100 तो है ही है, लेकिन कुछ और सिस्टम इसमें लॉन्च किए गए हैं जो जनता के लिए हित में हैं और हमारी पुलिसिंग को और बेहतर लेवल तक ले जाने के लिए हैं। इसलिए इसका नाम जो है डायल 112 आगे रखा गया, क्योंकि कंप्यूटराइज न्यूमेरिक डिजिट में वो खाली सिस्टम में एक्सेप्टेबल हुए तो तुरंत ही उसको लागू किया गया है। बहुत सारे देशों में जैसे 911 है US में है, और बहुत सारे जगहों पर अलग अलग डिजिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। ये केवल डिजिट की फॉर्म है, अदरवाइज़ क्वालिटी वाइज सर्विस बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं डायल 112 की।